नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं गोविंद सर आप लोगों के सामने आज फिर से संख्या पद्धति पर आधारित एक नए चैप्टर को लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों, आप लोग अभी वीडियो को देखना स्टार्ट किए हुए हैं, जो लोग अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी जो वीडियो है जैसे ही आपको वीडियो बनाया जाए आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, आइए हम लोग मिल करके आज इस एक और नए टॉपिक को क्लियर करते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में हमें कोई समस्या ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, आज जानेंगे संख्या पद्धति में इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, बहुत ढेर सारे कंपटीशन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, चाहे वो टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे कोई भी टेट हो। हर जगह, हर वनडे एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई भी पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स टॉपिक में है उसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कम से कम समय में हम कैसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि देखिए, जो संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो अंक आपके सामने हमने लिख रखा है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कुल मिलाकर के ये 10 अंक हैं। और ये 10 अंक जो हैं, इन्हीं 10 अंकों से क्या बनता है, हम कितनी भी बड़ी संख्या बनाएं, इन्हीं 10 अंकों के अलावा कोई दूसरा अंक यूज नहीं होता। यही 10 अंक ही क्या होते हैं, मेन होते हैं, इन्हीं से सारे अंक बनते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे, अगर आप 0 के ऊपर कोई घात लगा दें 2 का, तो क्या मिलेगा, वैल्यू आपको 0 मिलेगा। अगर यही संख्या 1 होती है तो इसके ऊपर 2 घात लगाते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही 2 के ऊपर कोई घात आप लगाते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 के ऊपर 2 की घात लगाते हैं तो 9 मिलेगा। 4 के ऊपर कोई घात लगाते हैं तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। 5 के ऊपर घात लगाते हैं तो क्या मिला, 25 मिला। 6 के ऊपर घात लगाया आपने तो क्या मिला, 36 मिला। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 7 के ऊपर 2 की घात लगाते हैं तो क्या मिलेगा, 49। 8 के ऊपर 2 की घात लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। ऐसे ही 9 के ऊपर आपने घात लगाया तो क्या मिला, 81। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का हमने क्या निकाला, वर्ग निकाला। इससे भी आगे आप कर सकते हैं, लेकिन सभी अंकों में वही चीज़ आएगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। अर्थात आपको बस सिर्फ ये देखना है कि इकाई का जो अंक होता है वही आपको ज्ञात करना है। तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो, उस संख्या का देखिए इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से कोई अंक लिखा गया हो, और उस पूरी संख्या के ऊपर कौन सी घात लगी हो, 2 की घात लगी हो, अर्थात उसका क्या निकालना है, हमको वर्ग निकालना है। तो 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक की अंकों का वर्ग आप निकालेंगे तो देखिए 1 भी आता है, 4 भी आता है, 9 भी आता है, 6 आता है, 5 आता है, अब 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है। तो आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन सा अंक इसमें आपको नहीं मिल रहा है। इन सभी में देखिए इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं मिल रहा है, 0 है, 1 है, 2 देखिए कहीं पर नहीं मिला है। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 2 लगी हुई है, अगर घात 2 लगी हुई है तो इकाई का अंक अगर आपका क्या है, इनमें से कोई भी संख्या है, तो वर्ग करने पर उसके इकाई में कभी भी क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। 3 देखिए आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो 3 भी नहीं आ सकता। और देखिए 7 कहीं पर नहीं दिख रहा है तो 7 नहीं आ सकता, और कहीं पर देखिए 8 नहीं दिख रहा है तो 8 नहीं आ सकता। अर्थात ये 2 और 3, और यहाँ पर क्या मिला, 7 और 8, 2 और 3, 7 और 8, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक के अंकों में 2, 3, 7, 8 चार नंबर ऐसे हैं, यानी चार अंक ऐसे हैं जिनका किसी भी संख्या के साथ अगर इकाई का अंक बन रहा होता है, अर्थात उस पर 2 की घात भी लगी होती है, तो क्या होता है, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रश्न दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया आपको 57 प्रश्न दे दिया गया, और यहाँ पर घात 2 लगा दिया गया, और आपसे पूछा गया इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया सपोज
दो दे दिया गया, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया तीन, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया सात, और पांचवा ऑप्शन दे दिया गया सॉरी चौथा ऑप्शन दे दिया गया कौन सा नौ। तो इसमें से आप देखिए दो तो किसी का, अगर आप यहाँ कुछ नहीं करते तो आप यहाँ याद रखिएगा वर्ग है, तो दो अगर आ गया, तीन आ गया, सात आ गया, तो किसी भी संख्या के वर्ग में दो तीन सात और आठ इकाई के अंक पर नहीं आता है। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही आंसर आपका होगा बिना हल किए आपने बताया। और वैसे भी आप करके देखेंगे सात सते उनचास, सात का आप वर्ग किए होंगे, यहाँ पर देखिए तो इकाई की जगह पर क्या दिखा था नौ दिखा था, इसलिए ये क्या होगा सत्तावन है इकाई के अंक पर सात है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे सत्तावन का जब भी आप मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए यहाँ पर प्रूफ करके 57 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 7 का 7 7 जा क्या होगा 49, कैरी लगेगा 4, फिर यहाँ पर क्या होगा 7 5 जा 35, 4 जोड़ दिया यहाँ 39 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 7 में 5 7 जा 35 के 3, 5 5 जा 25, 3 जोड़ दिया कितना हो गया 28, यहाँ पर क्या हुआ 9, 9 5 14, कैरी 1, 8 3 11, 11 1 12, कैरी कितना लगेगा 1 2 1 3, देखिए इकाई का अंक क्या आया 9 आया। इतना करने से अच्छा हमें क्या है सीधा सीधा हमें याद है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर हमें क्या निकालना है वर्ग निकालना है, और ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है 2 3 7 दे दिया गया, तो 2 3 7 8 ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकते, बची हुई संख्या हो पाएगी। अब हम आपको इतना तो आप क्लियर कर लिए कि कौन सी संख्या वर्ग में नहीं आती है, लेकिन अगर किसी संख्या का घन दिया हुआ है, घात 3 दिया हुआ है, उसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, तो आप घन को करने के लिए इस तरह से आंसर नहीं दे पाएंगे। और अगर ऐसे ही बड़ी घात लगी रहे तो आप कैसे आप हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अभी हम आपको नियम बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जिन पे घात नहीं लगी रहती है, यानी कई संख्याएं एक साथ दी गई होती हैं, जब कई संख्याएं एक साथ दी गई होती हैं और वो आपस में क्या की गई होती हैं गुणा की गई होती हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि लिखा हुआ है 756, प्रश्न दिया है आपका 756 गुणे आगे का अंक दिया हुआ है 938 गुणे क्या है 872, ये आपका प्रश्न है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इकाई का अंक क्या होगा, तो ऐसे बड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको इसमें इसमें गुणा करने की जरूरत अब नहीं है। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही जादुई ट्रिक, आप कह सकते हैं सिर्फ इकाई का अंक पूछे तो इकाई के अंकों का आपस में क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे 6 का गुणा ये 8 है, 6 का गुणा 8 में करेंगे 6 है क्या मिलेगा 48 मिलेगा, ऐसे ही आप 48 लिख लीजिए तुरंत। उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई जो आगे की संख्या का इकाई का अंक है ये, अब आपको क्या करना 48 का गुणा 2 में नहीं करना है, आपको सिर्फ फिर से इसमें जो ये अंक मिला हुआ है इसी का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 8 × 16 अर्थात जो आपका लास्ट में क्या हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद आया यही आपका इकाई का अंक है। दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स से, और आप ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से आपको समझना है, अभी आपका लेवल क्या है मुझे नहीं पता है कि कौन मेरा वीडियो देखेगा, क्योंकि आप सब लोग मुझे उम्मीद है कि जिनको कोई दिक्कत होगी कोई समस्या होगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से आपको मेरा टॉपिक लग रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ा रहा हूं, स्टार्ट किया हूं, और आप लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान सा आसान तरीका आपके लिए मैं बनाऊं ताकि आप कम समय में एग्जाम में कर पाएँ। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मैथ पढ़ रखा होगा, बीएससी कर रखा होगा, एमएससी कर रखा होगा, तो फिर भी बीएससी कर लिए होंगे एमएससी कर लिए होंगे, लेकिन एग्जाम में क्या होता है जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न तो आप हल कर लेते हैं, लेकिन कम से कम समय में कौन हल कर पाता है वही क्या होता है आपके लिए सबसे
फायदे वाली बात होती है। आता तो सबको कुछ ना कुछ है, आपको सवाल दे दिया जाएगा, आप हल कर ले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको टफ से टफ सवाल दे दिया जाए 4-6 मिनट में तो उसको हल ही कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपके लिए कितना टाइम मिला हुआ है एक प्रश्न को हल करने के लिए, और हमें उसी टाइम में उस प्रश्न को हल करना, इसके लिए आपको ट्रिक चाहिए और वो ट्रिक हम आपको देते रहेंगे। यदि आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताते रहेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, टॉपिक कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कोई दूसरा तरीका अपनाऊं कि किस तरीके से मुझे आपको बताना है, मैं रिसर्च करूंगा इसके लिए कि मुझे आपको किस तरीके से बताना है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में यस करके आप टाइप जरूर करिएगा कि कैसा लगा है आपको टाइप। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, अगला प्रश्न आपका है 631, प्रश्न दिया हुआ है 631। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया है 631, मल्टीप्लाई दिया हुआ है 289, फिर मल्टीप्लाई 871, इसके बाद मल्टीप्लाई है 429, मल्टीप्लाई 796। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, काफ़ी लंबा चला गया, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ सवाल, देखिए थोड़ा घर से लिखता हूँ, 631 मल्टीप्लाई 289 मल्टीप्लाई 871 मल्टीप्लाई 429 मल्टीप्लाई 796। ये देखिए ये प्रश्न है, इतना लंबा अगर आपको करके वहाँ पर एग्जाम में आंसर देना होगा तो आपको ना तो पेज मिलेंगे ना तो आपके पास इतना टाइम है कि आप इतने बड़े कैलकुलेशन को कर पाएँ। इसके लिए आपको तुरंत क्या करना है, आपको टेबल याद रखना है, केवल बस एक का मल्टीप्लाई आपने 9 में कर दिया तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर से आपका एकाएक अंक 7 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ क्या बचा हुआ, अच्छा है तो 9 क्या हो गया, 81 मल्टीप्लाई 6, 1 का 6 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से आपका आंसर आपके सामने आ गया। तो देखिए कोई भी समय नहीं लगा, आप 30 सेकंड में मात्र प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, बस केवल आपको इकाई के अंकों का इकाई के अंक में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो संख्या मिलती है आपको, दो अगर मान लेते हैं आपने इकाई के अंक का एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2 अंक में संख्या आपको प्राप्त हो रही है। अगर वो 2 अंक में आपको संख्या प्राप्त हो रही है तो आपको क्या करना है, अगली संख्या के इकाई से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पूरी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको करना क्या है, उस संख्या से प्राप्त जो आपका मान होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल से, उसके इकाई अंक को आपको क्या करना है, शेष जो संख्या बची हुई उसके इकाई के अंक से केवल मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, अच्छा आएगा। तो देखिए कितना आसान सा तरीका था। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पर आपको दे दिया है 520 दे दिया, मल्टीप्लाई 725 दे दिया, इसके बाद मल्टीप्लाई 363 है, 400 क्या है, 595 है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के आप जरूर देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। जिसको भी ये प्रश्न हल करने आ रहा है वो कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, इकाएगा अंक। तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूँ आपको, इसका ट्रिक ये है कि अगर कई संख्याएँ एक साथ गुणा करने के लिए दिया गया हो उसमें से किसी भी एक संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए 0 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 का फिर मल्टीप्लाई 3 में, मल्टीप्लाई फिर 5 में, तो यहाँ पर अगर कोई भी एक संख्या 0 होगी तो आपका आंसर कुछ नहीं करना है, 0 दे देना है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, लंबा गुणा की संख्या, लंबी गुणा की संख्या दे दी जाती है, जैसे आपको दे दिया गया 53, 253, 500, 75, 892 ऐसे करके दे दिया है, गुणे यहाँ पर 0 दे दिया है, तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। गुणा करने के बाद ये पूरी वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो गुणा अगर इकाई का अंक भी पूछता है तो इकाई का अंक यहाँ पर 1-0 आ गया है, तो इसके इकाई का अंक भी 0 आएगा और वैल्यू भी इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल करने के लिए जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में कहीं पर 0 आता है तो आप क्या करेंगे, तुरंत इसका आंसर 0 लगाएंगे बिना कुछ किए, मतलब आपको समय भी नहीं लेना है, तुरंत आपको आंसर देना है क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि वहाँ पर 0 है या नहीं, वो इकाई का अंक ही एक नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल दे सकते हैं 0 इस तरह से, बीच में अगर 0 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो गया, 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ गया, 25 आ गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब इकाई के अंक से 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया, फिर मल्टीप्लाई इसका 1 का किसमें करेंगे, 5 में करेंगे, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 पर से क्या आएगा, 20 आएगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्न को आप कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना आसान तरीका आपको अब नहीं मिलने वाला है। सबसे आसान तरीका यही है कि किस तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे।
दोस्तों मैं आपको अब बताने वाला हूँ दूसरे टाइप का प्रश्न, जैसे प्रश्न कभी कभी घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना है, जैसे टॉपिक होगा घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों कोई घातांक की संख्या आपके सामने दे दी जाए, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि किसी संख्या के ऊपर दो की घात लगी होती है तो इकाई का अंक क्या नहीं आता है, 2, 3 और 7, 8 दोनों देखिए एक दूसरे के करीब की संख्याएं हैं, मतलब जिसको आप क्या कहते हैं क्रमागत संख्याएं हैं, 2 और 3, 2 की अगली क्रमागत संख्या क्या है 3 है, 7 की अगली क्रमागत संख्या क्या है 8 है, 2 और 3, 7 और 8 ये किसी भी संख्या के वर्ग में कभी नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि घातांक की संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी संख्या हो उसके ऊपर पावर लगी हो तो अगर उसका आप क्या करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो इन्हीं अंकों के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आता है, इन्हीं में से कोई ना कोई अंक आते ही हैं। यानी अगर आप क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं और जैसे कोई आपको प्रश्न दे दिया गया, सपोज आपको एक प्रश्न हम देते हैं, हाँ एक प्रश्न देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कोई भी सवाल है इस सवाल में लिखा हुआ जैसे 2, 4, 6, 0 ये पावर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर अगर ऐसा कोई सवाल है तो इसके जीरो है इकाई के स्थान पर क्या है जीरो है, और या फिर या मैं आपको बता दूं जीरो ऐसे लिख दूं 1, 5, 6 जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, दिखाई पड़ रहा है जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, 1 का वर्ग करने पर 0, 2 का वर्ग करने पर क्या आता था 4 आता था, 3 का वर्ग करने पर क्या आता था 9, 4 का वर्ग करने पर क्या आता था 16, 5 का वर्ग करने पर क्या आता था 25 और 6 का वर्ग करने पर क्या आता था 36 और 7 का वर्ग करने पर क्या आता था 49 आता था, इसी प्रकार से 8 का वर्ग करने पर क्या आता था 64 आता था, 9 का वर्ग करने पर क्या आता था 81 आता था, तो इस तरह से ये आता था। दोस्तों ये माइक लगाना मैं भूल गया था, पता नहीं आप लोगों के पास तक ये मेरी पूरी आवाज़ पहुंच पाई होगी कि नहीं पहुंच पाई होगी, तो देखिए जल्दी जल्दी में मैंने माइक नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि जीरो का वर्ग क्या है जीरो है, 1 का वर्ग क्या है 1 है, 2 का वर्ग क्या है 4 है, 3 का वर्ग, देखिए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर वही संख्या इकाई के अंक में आती है, 1 का वर्ग करने पर आपको इकाई का अंक क्या आ रहा है वही आ रहा है, 0 का वर्ग करने पर इकाई का अंक वही आ रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक तो यहाँ भी इकाई का अंक 5 ही आ रहा है, 6 का वर्ग करने पर भी आप देखे होंगे यहाँ पर कि 6 का वर्ग किया तो भी इकाई का अंक क्या आया 6 ही आया। तो कुल मिला जुला करके आप ये जानिएगा कि 1 है 0 है 5 है और 6 है ये जो संख्याएं हैं अगर इनका आप वर्ग करेंगे, इकाई का अंक अगर 1 होता है 0 होता है 5 होता है 6 होता है तो इनके ऊपर कोई भी घात लगा दी जाती है, तो इनका आपस में जैसे अगर आप इनका क्यूब करके देखते हैं दिखाई पड़ेगा यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर देखिए 0 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं 1 का क्यूब करते हैं तो भी 1 ही मिलेगा, अगर यहाँ पर 2 का आप क्यूब करते हैं तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, 3 का यहाँ पर अगर आप क्यूब करते हैं तो क्या मिलेगा 27, 3 3 का 9 3 27, 4 का करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पर 4 का क्यूब करने पर क्या मिलेगा आपको 64 मिलेगा। अब इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 25 125, 6 का करेंगे 6 4 36 6 का 216, 7 का करेंगे 7 49 7 343, 8 का करेंगे तो क्या आएगा 8 8 64 8 512, 9 का करेंगे तो 9 9 81 9 7 29, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलिए ठीक है 9 तक मैंने आपको बता दिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो संख्याएं हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग करने पर भी 1 आया है और क्यूब करने पर भी 1 आया है, 0 का वर्ग करने पर भी 0 आया है और क्यूब करने पर भी क्या मिला है 0 मिला है, और यहाँ पर आप देखे होंगे कि 5 का वर्ग करने पर भी 5 मिल रहा है लेकिन क्यूब करने पर भी 5 मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ 6 का देखेंगे 6 का वर्ग करने पर भी 6 मिल रहा है और 6 का क्यूब करने पर भी 6 मिल रहा है, यानी 4 अंक आपके पास ऐसे हैं जिनका आप चाहे वर्ग करेंगे और चाहे आप
क्यूब करेंगे उनका वही अंक मिलने वाला है। अगर आप उनके ऊपर पावर फोर कर देंगे तो भी उनके इकाई के स्थान पर वही अंक आएगी। अर्थात केवल आपको क्या रट लेना है, क्या याद करना है, आपको हमेशा याद करके रखना है कि यदि इकाई के अंक पर 0, 1, 5 और 6 हैं तो बिना कुछ किए आपका जो इकाई का अंक होगा वो क्या आएगा, वही संख्या मिल जाएगी। अगर इकाई के जगह पर 0 है तो 0 मिलेगी, इकाई के जगह पर 1 है तो 1 मिलेगी, अगर इकाई के जगह पर 5 है तो 5 आएगा, इकाई के जगह पर 6 है तो 6 आएगा, चाहे उस पर पावर कुछ भी क्यों ना लगा हो। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ था कि 2460 के घाते क्या है 25 के इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके इकाई के अंक में आप देखेंगे स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 है तो इकाई का अंक इसका क्या होगा, इकाई बराबर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। वैल्यू चाहे जो आए, वैल्यू सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल एग्जाम में आंसर क्या देना है, इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक बताने का यही तरीका है कि हमको याद रखना होगा 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 जो है यदि इकाई के स्थान पर होता है तो उसका आप उसके ऊपर चाहे कोई भी पावर लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं आगे कि यदि इनसे इतर कोई दूसरी संख्या दी गई है इकाई के जगह पर, यानी 0, 1, 5 और 6 को छोड़ दिया जाए, बाकी अब क्या बचा आपके पास, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, ये संख्याएं, यानी 3, 3, 6, 4 अंक तो आपने सीख लिया। अब ये जो 6 अंक हैं, यदि इकाई के स्थान पर ये अंक दिए गए हैं और उनके ऊपर कोई घात लगी हुई है तो आप क्या करेंगे इनके साथ। जैसे मान लेते हैं एक सवाल आपको हम देते हैं, 2, 5, सॉरी एक सवाल हम यहाँ से दे देते हैं आपको, जैसे आपको प्रश्न दिया है 952 के पावर 67 क्या दिया हुआ 67 दिया हुआ है। इसमें आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो 952 के पावर 67 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें इकाई के जगह पे कौन सा अंक है। तो देखिए इकाई के जगह पे 2 का अंक है, अब यानी 2 का अंक है तो ये नियम तो आपका काम नहीं करने वाला है। यहाँ हमें एक नए ट्रिक की ज़रूरत है, वही ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जो घात लगी होती है 67, इसमें से आप क्या करेंगे एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, अपने मन से आपको एक घटा देना है। घटाने की बात क्या मिला, 66 मिला। अब ये 66 को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या मिल रहा है आपको, शेष जो मिल रहा है वो क्या मिला, 2 मिला। यानी 66 को आपने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद शेष आपको क्या मिल रहा है, शेष जो मिला हुआ है वो आपको 2 मिला हुआ है। अब आपको करना क्या है, जो भाग देने के बाद जो शेषफल मिलता है उस शेषफल में आप क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। मतलब कि जो भी आपका क्या होता है भाग देने के बाद शेषफल बच जाता है उस शेषफल में आप 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसी संख्या को जो यहाँ पर इकाई के जगह पे संख्या थी उस पर पावर लगा देते हैं, यानी शेषफल में क्या करेंगे, 2 धन 1 बराबर क्या मिला, 3। इसी 3 को आप क्या करेंगे, इस इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी उस पर आप क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। तो इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 8 आएगा। दोस्तों देखिए थोड़ा दिक्कत आ गई थी कुछ टेक्निकल समस्या के कारण से, थोड़ा देर के लिए वीडियो स्टॉप किया था मैंने। चलिए हम आप लोग फिर से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा था कि घातांकी संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करना, मैंने ये ढेर सारे नियम आपको बता दिया किस तरीके से आता है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन उसके आंसर बड़े आसानी से आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न देने जा रहा हूँ, आपके पास प्रश्न है 1549 के पावर दिया है 89, 1549 के पावर 89। देखिए ये देखने में तो थोड़ा सा आपको टफ लगता है, अटपटा सा लगता है, लेकिन जितना ये देखने में लगता है उतना टफ नहीं है। इकाई का अंक बड़े आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि इकाई का अंक क्या है, 9। इकाई का अंक यदि यहाँ पर क्या हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो हम क्या करते हैं, 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी अंक होता है तो तुरंत हम क्या करते हैं,
यहाँ पर जो संख्या घात के रूप में दी गई होती है, उस घात के रूप की संख्या से क्या करते हैं, एक घटा देंगे, क्या मिलेगा 88। तुरंत चार से इसको डिवाइड करेंगे, चार से भाग करने के बाद क्या होगा, चार दुनी आठ, यानी ये 22 चौका 88, शेष क्या बचेगा, शेष बराबर 0। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। जो शेषफल मिलता है हमें, उस शेषफल में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा। ये जो एक मिलता है इसको हम घात बनाते हैं, किसकी घात बनाते हैं, जो हमें घातांकी संख्या दी गई होती है उस घातांकी संख्या का जो आधार होता है, उसके आधार में जो इकाई का अंक होता है उसी का हम इसे घात बनाएंगे, अर्थात 9 घाते 1 = 9। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस केवल आपको यही समझना है, अगर यहीं पर आपके इकाई का अंक यहाँ पर क्या रहा होता, 0 रहा होता, 1 रहा होता, 5 रहा होता, 6 रहा होता, तो आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा आपको ये देख करके आंसर बता देना है। अगर इकाई की जगह पे ये 0, 1, 5 और 6 है तो तुरंत आपको आंसर क्या देना है, इकाई का अंक यही आएगा। अगर आप इसके इतर कोई संख्या इकाई में प्राप्त करते हैं तो आपको क्या करना है, यही नियम लगाना है, घात जो लगा रहता है उस घात में से आपको क्या करना होता है, नोट कर लीजिएगा, जिनको जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ जाते हैं, जो लोग भूल जाते हैं वो लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर वीडियो को देखा करिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी उसको आप नोट कर लिया करिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। यदि आप भूल जाते हैं तो वीडियो आप इसको क्या करिएगा, अपलोड रहता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको लिखा हुआ है 89 से आप क्या करेंगे, घात में से एक घटा देंगे, एक घटाने के बाद आपको चार से भाग करना है, सभी प्रश्नों में यही करना है आपको, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, फिर क्या करेंगे, चार से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, जो संख्या पूरी तरह कट जाएगी अर्थात 0 आएगी, तो 0 शेषफल अगर 0 आता है तो 0 में 1 जुड़ेंगे तो 1 आएगा, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। यदि कुछ शेष बचता है तो उस शेषफल में क्या करेंगे, आप 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी उस संख्या को आपको घात बनाना है, और वो घात किसका बनाना है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उस प्रश्न में घातांक के आधार में जो इकाई के स्थान पर अंक है उसी अंक के ऊपर आपको उसको घात के रूप में लगा देना है। इसके बाद उसका क्या कर देना है, आपको मान निकाल लेना है, तो मान निकालने के बाद जो इकाई के अंक पे संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं दोस्तों आपको, देखिए एक अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कभी कभी क्या होता है एक साथ कई संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे आपके पास है प्रश्न 3 के घाते 57 और मल्टीप्लाई है 4 के पावर 65, मल्टीप्लाई है 125 के पावर 35, इसके बाद मल्टीप्लाई है 89 के पावर अगला सवाल आपका जो दिया है 13 दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, अब आपको देख करके समझ में, वहाँ तो अकेला मिलता था, यहाँ देखिए चार संख्याएं दी गई हैं, चारों संख्याओं को आपको क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है और इकाई का अंक आपको क्या करना है बताना है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा ही कर ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे आपको दिया गया है 3 के पावर 53, आपको कुछ नहीं करना है, 3 के पावर 53 में बस वही नियम जो अब तक आप लगाते आए हैं, मैंने कहा था आपको कि 0, 1, 5 और 6 कहीं इकाई की जगह पर दिख जाए तो उसका क्या होता है, इकाई का अंक वही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसके इकाई का अंक 5 होगा, मल्टीप्लाई, अब इन सब का आपको निकालना है। अगर देखिए 53 है, 53 में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 52, 52 को क्या करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो शेष क्या मिलेगा, यहाँ पर शेषफल बराबर क्या मिलेगा, 0, 0 में 1 जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1, तो 3 के घाते, यहाँ पर इकाई का अंक 3 ही है तो 3 के घाते 1 यानी 3, मल्टीप्लाई। इसी तरह से यहाँ 65 में से एक घटाएंगे क्या मिलेगा, 64, 64 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, तो जब 16 आएगा तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, 16 चौका 64, शेषफल 0 बचेगा, 0 में 1 आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 4 के घाते 1 करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 ही आएगा। फिर इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर 89 है, 13 में से एक घटाए 12, 12 को आप क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 4 3 12 कट जाएगा, पूरी तरह से शेषफल 0 बचेगा, 0 में आप 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 9 के पावर 1 करेंगे तो 9 * 9, तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या मिल गई 3, 4, 5 और 9, वही संख्या आपको मिल गई, 3 * 4 = 12, यहाँ 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई, 5 * 9 = 45, अभी भी आपको कुछ नहीं करना, 5 * 2 = 10, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके,
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसा प्रश्न। अगर आपके सामने आएगा तो आप कर पाएंगे। एक प्रश्न मैं और हल करा देता हूँ, इस टाइप से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसको हल करना है, जैसे कि आप समझ रहे थे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया है 1237, इसके पावर आपका दिया हुआ है 28। 1237 के पावर क्या दिया हुआ है 28। इसके बाद मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अगला आपका जो अंक दिया है वो 1583 के पावर 48 दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न में। तो चलिए दोस्तों हम हल करते हैं ऐसे प्रश्न को। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इकाई की जगह पे आपने देखा सबसे पहले, क्योंकि हमको प्रक्रिया करनी पड़ती है। अगर हमें आसानी से 0, 1, 5, 6 मिल जाते हैं तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको पहले चेक करते हैं। तो चलिए देखिए, इसके इतर कोई दूसरी संख्या 7 दिया है और 3 दिया है तो हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 28 में से आप एक पावर में से एक कम करेंगे, क्या मिलेगा 27 मिलेगा। और 27 को आप क्या करते हैं, अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है शेषफल आपको, 4 से डिवाइड करेंगे 4×6=24, तो शेषफल आपको 3 मिलेगा। और 3 में आप अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3×1=4 आएगा। तो इसका मतलब 7 के घाते क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4 लिख देंगे। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा 3, अर्थात 48 में से एक कम करेंगे वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा, 3 के घाते क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर 7 के घाते 4 मिला, 3 के घाते 4 मिला, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7×49 = 343 में क्या करेंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7×3=21, अर्थात यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 3×9=27, 87 = 81, फिर क्या मिला, 1 मिला। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या मिला, इकाई का अंक 1 मिला। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई के रूप में ना दे करके प्लस के रूप में या माइनस के रूप में दिया रहता है। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 258, ये प्रश्न है आपके सामने 258 के पावर क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इसके बाद प्लस लिखा हुआ है 547 के पावर जो लिखा हुआ है वो क्या है, 84 लिखा हुआ है यहाँ पर। 547 के पावर क्या लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 8 है तो इकाई का अंक तो आपको करना पड़ेगा प्रोसेस, ये 99 होगा, 1 घटाएंगे तो 99 होगा। और 99 को जब आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12×8=96 होता है। और यहाँ पर आपका होगा 24×6=96, तो 24×6=96 यानी 24 बार जाएगा, 96 घटाएंगे यानी 3 शेष बचेगा। यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचने के बाद यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई के जगह पे 8 है, 8 के पावर क्या करेंगे, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो 83 होगा। 83 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब आप इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 84 के में एक कम करेंगे 83 को जब 4 से भाग करते हैं आप तो कितना बार जाएगा, 83×4 करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 4×2=8, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो जब 3 शेष बचेगा, 3 में आप क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, सॉरी 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। सॉरी 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, सॉरी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के घात पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 8×4 लिखा हुआ है, 7×4 लिखा हुआ है। आपको पता है कि 8×8 क्या होता है, 64 होता है। और फिर 8×8 क्या होता है, 64 होता है। तो मैंने 8×2 करके कर दिया, 8×8=64 प्लस 7×49 = 7×49, इस तरह से हुआ। तो 4×4 क्या मिल गया आपको, 16 मिल गया। और यहाँ 9×9 क्या मिल गया, 81 मिल गया। और 6×1 में मल्टीप्लाई, सॉरी तो यहाँ पर क्या मिला, 6 मिला और 1 मिला। तो इकाई का अंक इसके क्या हो गया, 6, और इसके इकाई का अंक क्या हो गया, 1, 6×1 क्या है आंसर आपका, 7 आ गया। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है लगाने का तरीका। अगर यही प्रश्न आपको कुछ दूसरे टाइप से दिया जाए, यहाँ पर प्लस ना होकर के यही सवाल आपको क्या हो, माइनस में दिया हो, जैसे मैं आपके सामने एक माइनस वाला सवाल भी दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है 13×73 के पावर दिया हुआ है 36, 14×42 के पावर 20, ये है 36,
14 42 के पावर क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या होना है, इसके पास देखिए 36 है, 36 में क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो अगर आप 36 में एक कम करते हैं तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 36 से एक कम करेंगे 35 मिलेगा। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 3 बचने वाला है, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ शेष कितना बचेगा, 3। तो यानी कि 3 के पावर यहाँ क्या मिलेगा, 4। माइनस यहाँ क्या होगा, 4 से भाग करेंगे, यहाँ भी वही चीज़ आएगा, 2 के घाते कितना होगा, 4 होगा, ठीक, 2 के घाते 4। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 तिरिक्का 9, फिर 3 तिरिक्का 9। माइनस यहाँ पर क्या होगा, 4 चौके 2 दूना 4, 4 चौके क्या होगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4, तो 9 9 81, और यहाँ 4 चौके 16। अब यहाँ से क्या करना है आपको, घटा देना है, 1 आया है इसके इकाई के जगह पर, 6 आया है इसके इकाई के स्थान पर। अगर 1 और 6 आया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर घटाने के बाद क्या लिखेंगे आप, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके इकाई के जगह पर 1 है, इसके इकाई के जगह पर 6 है, तो 6 में से 1 घटा करके आप बता देंगे 5 आ जाएगा। अर्थात वैसे तो आएगा माइनस 5 आएगा, लेकिन ऋण चिन्ह को यहाँ पर हम नहीं लेते हैं, बस ये हमको क्या बता देना, इकाई के स्थान पर 5 आएगा। कभी भी इकाई के स्थान पर माइनस 5 वहाँ लिखेगा नहीं, वही इकाई के स्थान पर वही संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। मैं आप सभी लोगों को हल करने के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, तो आप लोग हल करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। जैसे आपको लिखा हुआ है 257 के पावर 235 प्लस 373 के पावर 61, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा, 232 मल्टीप्लाई 363 मल्टीप्लाई 720। और तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि 271 के पावर 71 मल्टीप्लाई 375 के पावर 21। तो एक सवाल और देते हैं आपके लिए, 572 के घाते 82। तो दोस्तों इन चारों प्रश्नों का आंसर आप लगाइएगा, और इनके आंसर को आप क्या करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।